press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. नमस्कार, एसटीवी न्यूज में आपका स्वागत। सबसे पहले नजर डालेंगे आज की सुर्खियों पर। अफराजुल को जलाने वाले शंभुनाथ का वीडियो हुआ वायरल, जेल के इंतजामों पर उठे सवाल। पुलिस के लिए सरदर्द बनी गैंगस्टर हरिया की मौत, परिजनों ने टॉर्चर के मड़े आरोप। राजस्थान बोर्ड परीक्षाओं का 8 मार्च से होगा आगाज, 19 लाख विद्यार्थी होंगे शामिल। तिरासी बरस के दूल्हे ने 30 साल की युवती से रचाई शादी, दामाद भी बना बाराती। और अब समाचार विस्तार से। राजसमंद में अफराजुल नाम के एक व्यक्ति को जिंदा जलाने और उसकी हत्या करने का वीडियो बनाकर चर्चित हुए आरोपी शंभुनाथ ने जोधपुर जेल से एक वीडियो वायरल किया है। ऐसे में जेल प्रशासन और यहां लगे जैमर्स पर सवाल खड़े हो गए हैं। उल्लेखनीय कि शंभुनाथ ने इस वीडियो में जेल के एक कैदी से खुद की जान को खतरा होने का आरोप लगाया है, साथ ही उसने जिहाद को लेकर भड़काऊ बयान भी दिए हैं। वीडियो वायरल होने के बाद जेल प्रशासन में हड़बड़ी मच गई। आरोपी के बैरक की तलाशी ली गई लेकिन मोबाइल नहीं मिला। वहीं शंभुनाथ की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। शंभुलाल राजसमंद प्रकरण के बाद से जोधपुर सेंट्रल जेल में है। वीडियो में उसने आरोप लगाया कि जेल प्रशासन ने उसे सबसे सुरक्षित जगह पर रखा है, लेकिन पिछले कुछ दिनों से वासुदेव ब्राह्मण नाम का एक बंदी उसके पास आया और उससे दोस्ती कर अपनापन जताने लगा। इस पर उसे संदेह हुआ। शंभुलाल ने आरोप लगाया कि वासुदेव नाम का यह बंदी पश्चिमी बंगाल का है और फर्जी नाम पते से जेल में बंद है। उसे नशे के मामले में गिरफ्तार किया गया है और यह बंदी उसे जान से मारना चाहता है। जय श्री राम, भारत माता की जय। साथियों, यह मेरे जीवन का आखिरी संदेश है। यह मैं जोधपुर सेंट्रल जेल से लिख रहा हूँ। मुझे जेल प्रशासन ने जेल की सबसे सुरक्षित जगह सेल्स में रखा है, फिर भी कुछ दिनों बाद एक वासुदेव ब्राह्मण नाम का पश्चिम बंगाल निवासी एक अपराधी मेरी सेल्स में आया और मेरे साथ रहने लगा। फिर 2-3 दिन तक उसने मेरी तरफ देखा ही नहीं। फिर धीरे धीरे उसने मुझसे बातचीत चालू की और हर वक्त बहुत से ज़्यादा इस्लाम की बुराई व मेरे साथ अपनापन जताने लगा। उसकी बातों से मुझे उस पर शक होने लगा। फिर मैंने सोच के वक्त उसका प्राइवेट पार्ट्स देखा तो मैं दंग रह गया, क्योंकि उसका खतना किया हुआ था तो मुझे यकीन हो गया कि वो ब्राह्मण नहीं है। वो झूठे फर्जी नाम पते से जहरीले नशे का कारोबार करते हुए जोधपुर में पकड़ा गया। ये है जिहादियों की ताकत, जो इतनी सुरक्षा के बावजूद भी मेरे पास पहुंच गया। वह मुझे जान से मारने की तैयारी में है, पर मुझे उससे कोई डर नहीं है। अगर वो धर्म के लिए जान दे सकता है तो मैं भी इसके लिए तैयार हूँ। पर मेरे मन की भावनाएं मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। मुझे इस बात की चिंता है कि इनके द्वारा और किसी की ज़िंदगी बर्बाद नहीं होनी चाहिए। मैंने 22 साल पहले अवैध बांग्लादेशियों के साथ रहकर इनकी जिहादी सोच का अध्ययन हर तरह से किया है। जिहाद का पूरा मतलब धोखा है। ये हमारे देश के सारे सिस्टम और हर वर्ग में फर्जी दस्तावेज बनाकर उनमें घुसकर दीमक की तरह हमें अंदर से खोखला कर रहे हैं। पूरी दुनिया के दूसरे धर्मों से अलग हिंदू धर्म ही ऊंच नीच भ्रष्टाचार भेदभाव के कारण जिहाद रूपी धोखे का सबसे आसान शिकार हो रहा है। हमारे देश को इस्लामिक राष्ट्र बनाने के लिए एक तरफ से पाकिस्तानी जिहादी खुला आतंक मचा रहे हैं और दूसरी तरफ से अवैध बांग्लादेशी और हिग्या जिहादी मिलकर हमारे साथ धोखा कर रहे हैं। उधर डीआईजी जेल विक्रम सिंह का कहना है कि शंभुनाथ द्वारा 2 वीडियो वायरल करने की जानकारी मिली है।
उसके बैरक की तलाशी ली गई लेकिन मोबाइल नहीं मिला। उसने किसी अन्य साथी से मोबाइल लेकर वीडियो बनाया है। डीआईजी के अनुसार जेल प्रशासन इसकी जांच में जुटा है। उन्होंने माना कि जेल में मोबाइल का उपयोग गंभीर है और ऐसी घटनाएं रोकने के लिए समय समय पर तलाशी अभियान चलाए जाते हैं। हमको रात को 8-9 बजे पता लगा था कि कोई इसने वीडियो वायरल किए हैं। उसके जान से खतरे का जहाँ तक सवाल है तो वासु नामक कोई पश्चिम बंगाल का बंदी जो NDPS में था, पिछले दिनों उसकी कोई शिकायत आई थी तो उसको भी इसी के वार्ड में डाल दिया गया था। उसके खुद के मन की उपज है, बाकी कोई खतरा नहीं है और उसको वहाँ से उस वासु बंदी को वहाँ से हटा दिया गया है। पूरी तरह सुरक्षित है, सुरक्षा को और बढ़ा दिया गया है। दूसरी बात, जहाँ तक जेल में से होने का सवाल है तो बड़ी बात है, कहीं ना कहीं तलाशी में या कहीं चूक हुई है, क्योंकि इन दिनों ये बंदी थोड़ा सा मंदिर वंदिर भी जाने लगा था, हम इसको थोड़ी ढील दी थी। हो सकता है वहाँ किसी बंदी से इसने मोबाइल ले लिया और वो किया हो। उसके बाद में हमने तलाशी की तो ये बता नहीं रहा है अभी कि किससे लिया और कहाँ इसने उसको बाद में डाला है, छुपाया है, लेकिन उसके बाद तलाशी लगातार जारी है और हम हो सकता है आज शाम तक कुछ ना कुछ उपलब्धि हासिल कर पाएंगे। उसकी ये बहुत गंभीर मामला है और इस तरह बार बार ये वायरल होना बार बार सुरक्षा प्रश्न चिन्ह खड़ा करता है, तो हम इसको अब बिल्कुल भी हल्के से नहीं ले रहे। गौरतलब है कि जेल प्रशासन ने प्रदेश की सेंट्रल जेलों में जो जैमर लगाए हैं उन पर अभी तक करीब 20 करोड़ रुपए खर्चा हो चुका है, लेकिन फिर भी ना तो जेल के भीतर से सोशल मीडिया के इस्तेमाल पर बैन लग पाया और ना ही मोबाइल फोन का उपयोग कम हो पाया। जोधपुर जेल दिल्ली की तिहाड़ जेल के बाद देश की दूसरी सबसे सुरक्षित जेल मानी जाती है, लेकिन यहाँ शंभुनाथ ने वीडियो बड़े आराम से रिकॉर्ड किया। अब जाकर जोधपुर सेंट्रल जेल में सर्च ऑपरेशन शुरू किया गया है। इससे पहले आनंदपाल सिंह ने जेल से अपने फेसबुक अपडेट करने के साथ ही मोबाइल फोन का भी जमकर उपयोग किया था। वहीं गैंगस्टर लॉरेंस विश्नोई भी जेल से गैंग चलाने के साथ ही सोशल मीडिया पर सक्रिय नजर आता रहा। प्रदेश की जेलों में मोबाइल फोन, सिम और अन्य आपत्तिजनक सामग्री मिलने के मामले में साल 2013 से साल 2017 तक करीब 600 मामले सामने आ चुके हैं। हरियाणा, उत्तर प्रदेश और राजस्थान में आतंक फैलाने वाले पवन उर्फ हरिया गुर्जर की संदिग्ध मौत पुलिस के लिए सिर दर्द बन चुकी है। एक वक्त पुलिस के लिए मुखबरी करने वाला हरिया को अलवर जिले के नीमराना में लूट की वारदात के बाद हाल ही में पकड़ा गया था। वहीं उसके एक साथी को पुलिस ने मुठभेड़ में मार भी गिराया था। खुद के संभावित एनकाउंटर से घबराए हरिया ने इसके बाद समर्पण तो कर दिया लेकिन उसकी जान नहीं बच पाई। पिछले कुछ ही सालों में हरिया ने अपने गैंग को इतना फैला लिया था कि पुलिस के लिए उसे पकड़ना चुनौती बन गया था। 10वीं पास हरिया अपने गांव भैसरा वली फरीदाबाद में दूध की डेयरी चलाता था। जमीनी विवाद में उसका 2010 में गांव के ही कुछ लोगों से झगड़ा हो गया और इसमें उसे जेल हो गई। जेल से छूटने के बाद दूध बेचने वाला हरिया बदमाश हरिया गुर्जर बन चुका था। शुरुआत में वह वाहन लूटने लगा, बाद में हरिया शातिर बदमाश सुंदर भाटी के संपर्क में आया और उसके गैंग में शामिल होकर अपराध करने लगा। बाद में हरिया ने अपनी अलग गैंग बनाई और युवाओं को लालच देकर अपने गैंग में शामिल किया। हरिया ने सबसे ज्यादा वारदातें हाईवे पर की थी। हाईवे पर वारदात करने के बाद वह कुछ ही समय में एक राज्य से दूसरे राज्य की सीमा में पहुंच जाता था। पलवल पुलिस के अनुसार हरिया लंबे समय से अपने दुश्मनों को ठिकाने लगाने की फिराक में था। हरिया के कुछ दिनों पहले ही एक अपराधी से आधुनिक हथियारों को लेकर डील हुई थी, लेकिन हथियारों की आपूर्ति से पहले ही पुलिस हरिया तक पहुंच गई। गौरतलब है कि कुख्यात अपराधी हरिया गुर्जर की रविवार को हरियाणा के हसनपुर थाना पुलिस की कस्टडी में मौत हो गई थी। हरिया की मौत का कारण हार्ट अटैक बताया गया है। हरिया को पुलिस ने 14 फरवरी को दिल्ली के दुल्लूपुरा के समीप से गिरफ्तार किया था। इसके बाद वह 6 दिन के पुलिस रिमांड पर चल रहा था। रविवार को हसनपुर थाना पुलिस उसे मेडिकल के लिए सिविल अस्पताल लेकर आई। मेडिकल के बाद जब पुलिस उसे वापस थाने ले जा रही थी तो रास्ते में हरिया को सांस लेने में तकलीफ हुई। इस पर पुलिस उसे फिर सिविल अस्पताल लेकर गई जहां करीब 2:30 बजे हरिया गुर्जर की मौत हो गई। उधर परिजनों ने आरोप लगाया कि हरिया को पुलिस ने बुरी तरह से टॉर्चर किया था। बहरहाल पोस्टमार्टम की रिपोर्ट सामने आने के बाद ही इससे जुड़े तथ्य उजागर हो पाएंगे। राजस्थान के करौली जिले में एक बुजुर्ग ने अपने से 53 साल छोटी युवती से शादी रचाई है।
इस अनोखी शादी में बुजुर्ग का दामाद भी बराती बनकर शामिल हुआ। दूल्हे राजा के पहले पत्नी भी मौजूद है और उसके दो बेटियां भी हैं और उनकी शादी हो चुकी है। 83 साल के सुखराम का एक बेटा था और उसका करीब 2 साल पहले निधन हो गया था। कहा जा रहा है कि दूल्हे ने बेटे की लालसा में शादी की है। मामला करौली जिले के सपोटरा के सैमरदा गांव का है। वृद्ध दूल्हे की दुल्हन रमेशी देवी बैरवा की उम्र 30 साल है। शादी से पहले सभी कार्यक्रम धूमधाम से मनाए गए। बारात में दामाद पप्पू बैरवा ने भी जमकर डांस किया। दुल्हन रमेशी बैरवा 7 बहनें हैं और 6 बहनों की शादी हो चुकी है। रमेशी इनमें सबसे छोटी है। रमेशी का एक भाई विकलांग पैदा हुआ था। शादी सभी की सहमति से हुई, यहाँ तक कि दूल्हे सुखराम की पहली पत्नी बत्तो देवी और दुल्हन के पियर पक्ष सभी इस शादी से सहमत थे। वहीं दुल्हन की दिमागी हालत भी कमजोर बताई गई है। सुखराम और उसकी पहली पत्नी के अनुसार 2 साल पहले उनके 30 वर्षीय बेटे की मौत हो गई थी। उसकी मौत के बाद परिवार का कोई वारिस नहीं बचा था, इसलिए वंश को आगे बढ़ाने के लिए शादी की है। कुल मिलाकर इस बेमेल विवाह की चर्चा है। वहीं इसने यह भी दर्शाया कि बेटा होने की चाहत किस कदर समाज पर हावी है। अलवर के एमआईए स्थित आईटी कॉलेज में आज मेगा विधिक चेतना और लोक कल्याणकारी शिविर लगाया गया। इस दौरान तमाम सरकारी विभागों ने काउंटर लगाकर लोगों तक सरकारी योजनाओं का लाभ पहुंचाया। वहीं कानून की जानकारी देकर उन्हें जागरूक भी बनाया गया। सभी प्रकार की जो सरकार की योजनाएं हैं, उन योजनाओं का डिस्प्ले करके ऐसे लाभार्थी लोगों को चयनित करके उनको लाभ पहुंचाए और उनको विधि की जानकारी प्रदान करें, जिससे वो लोग आगे स्वयं कानून की जानकारी प्राप्त करके अपने जो लाभ है वो ले सके। इसी उद्देश्य की प्राप्ति के लिए जिला शिक्षा प्राधिकरण द्वारा सतत और निरंतर शिविर का उद्घाटन जिला एवं सत्र न्यायाधीश अशोक कुमार व्यास के मुख्य आतिथ्य में किया गया, जबकि अध्यक्षता सनराइज यूनिवर्सिटी के कुलपति डॉक्टर वी के अग्रवाल ने की। विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव दिनेश जलथुरिया, एडीएम द्वितीय बीएल रमन, डीएसपी एसएम नागोरा और प्रधान आभा जैन विशिष्ट अतिथि के रूप में मौजूद रहे। माँ सरस्वती की वंदना के साथ ही शिविर का आगाज हुआ। इस दौरान लोक अदालतों और निःशुल्क विधिक सहायता आदि की जानकारियां दी गई। इसके अलावा दिव्यांगों को ट्राई साइकिल दी गई। इस मौके पर आर्य बालिका स्कूल की छात्राओं ने कन्या भ्रूण हत्या की रोकथाम का संदेश दिया। इस मौके पर पैरा लीगल वॉलेंटियर्स का सम्मेलन भी आयोजित किया गया। राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देशानुसार जिला विधिक सेवा प्राधिकरण अलवर और प्रशासन जिला प्रशासन अलवर के संयुक्त तत्वाधान के अंदर आज मेगा विधिक चेतना एवं लोक कल्याणकारी शिविर का आयोजन किया गया। इस मेगा विधिक लोक कल्याणकारी शिविर के मुख्य अतिथि श्रीमान अशोक कुमार जी व्यास जिला एवं सत्र न्यायाधीश महोदय और अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण रहे। इस कार्यक्रम के अंदर विशिष्ट अतिथिगण के रूप में एडीएम सेकेंड श्री बीएल रमन और अन्य कई न्यायिक अधिकारीगण, प्रशासनिक अधिकारीगण, जिले भर के पीएलवीज और बेनिफिशरीज लोग शामिल हुए। इस लोक कल्याण केंद्र के माध्यम से जो राज्य सरकार और केंद्र सरकार की जो स्कीमें थी उनका डिस्प्ले कियोस्क बनाकर किया गया और बेनिफिशरीज लोगों को मौके पर ही लाभ प्रदान किया गया। अवैध संबंधों में बाधक बने पति को रास्ते से हटाने के लिए विवाहिता ने उसकी हत्या कर डाली। इसमें उसने अपने प्रेमी बाप बेटे की सहायता ली। इसके बाद शव को खेत में दबा दिया। मामले का खुलासा 5 माह बाद हुआ और पुलिस ने हत्या के आरोप में मृतक की पत्नी और उसके प्रेमी पिता पुत्र को गिरफ्तार किया है।
पुलिस के अनुसार कालू राम का विवाह हनुमानगढ़ जिले में टिब्बी क्षेत्र के गांव कमरानी निवासी हंसराज की बेटी पूजा के साथ करीब 6 साल पूर्व हुआ था। करीब 1 साल पहले कालू राम अपने ससुराल कमरानी गांव में रहकर मजदूरी करने लगा। इस दौरान यहां अपने रिश्तेदार के घर आए हनुमानगढ़ टाउन निवासी संदीप सिंह ने कालू राम के साथ दोस्ती बढ़ाई और बाद में उसकी पत्नी पूजा के साथ अवैध संबंध बना लिए। अनैतिकता की पराकाष्ठा यहां तक थी कि इसी दौरान पूजा के संदीप के पिता कौर सिंह के साथ भी अवैध संबंध हो गए। जब पूजा के पति कालू राम को अवैध संबंधों की जानकारी मिली तो उसने इसका विरोध किया। कालू राम के विरोध जताने पर पूजा और उसके प्रेमियों ने सितंबर माह में उसकी हत्या कर शव को खेत में दफना दिया। कालू राम की हत्या को महीनों बीतने के बाद 12 फरवरी को उसके भाई दीपक ने टिब्बी थाने में कालू राम और पूजा की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवा दी। जांच में पता चला कि पूजा शेरगढ़ के पास एक खेत में मजदूरी करती है। सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने पूजा और उसके साथ रहने वाले संदीप और कौर सिंह को पकड़कर पूछताछ की। तीनों ने कालूराम की हत्या कर शव को रावतसर थाना क्षेत्र में एक जगह दबाने की जानकारी दी। पुलिस ने आरोपियों की निशानदेही पर दबाए गए शव को बरामद कर लिया। जयपुर के पास चंदवाजी थाना क्षेत्र में बंदूक की नोक पर लूट का मामला सामने आया है। यहां हाईवे पर कार सवार कुछ लोगों को चलती कार से उतार कर लूट लिया गया। पीड़ित परिवार जयपुर के तोफखाने इलाके के रहने वाले हैं। पीड़ित कलीम अहमद का परिवार जयपुर से दिल्ली जा रहा था। इसी दौरान एमएटी यूनिवर्सिटी के पास देर रात 3 बजे कुछ लोगों ने उनकी कार रुकवाई। कार रुकवाने के लिए लुटेरों ने उनकी कार के आगे बोलेरो लगा दी। इसके बाद लूट को अंजाम दिया गया। लुटेरों की संख्या 4 बताई गई है। वे पिस्टल की नोक पर कार सवार लोगों से 4,000 रुपए नकदी सोने के जेवर और कार लेकर फरार हो गए। फिलहाल आरोपियों का पता नहीं लग पाया है। श्री गंगानगर जिले के सादुल शहर में बरातियों की एक कार सोमवार को पेड़ से टकरा गई। इससे कार में सवार 2 युवकों की मौके पर ही मौत हो गई और 5 गंभीर रूप से घायल हो गए। इन्हें एम्बुलेंस से सादुल शहर के सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया गया। जानकारी के अनुसार दूल्हे अनिल की बारात संगरिया गई थी और वापसी में यह हादसा हो गया। रास्ते में ड्राइवर को झपकी आ जाने के कारण कार पेड़ से जा टकराई। हादसा इतना भीषण था कि कार के परखच्चे उड़ गए और 2 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। मृतक रिश्ते में साले बहनोई थे। वहीं घायल ड्राइवर विक्रम ने बताया कि रात को शादी के कार्यक्रम में शामिल होकर देर रात्रि वह सो गया था। सुबह जल्दी ही उसे उठाकर चलने के लिए कहा गया। चालक को याद नहीं है कि दुर्घटना कैसे और कहां हुई। होश आया तो उसे खुद के घायल होने और अस्पताल में होने का पता चला। इस हादसे के मृतकों में पवन रणवा और अरुण शामिल हैं। चलते चलते एक बार फिर नजर हेडलाइंस पर। अफराजुल को जलाने वाले शंभुनाथ का वीडियो हुआ वायरल, जेल के इंतजामों पर उठे सवाल। पुलिस के लिए सरदर्द बनी गैंगस्टर हरिया की मौत, परिजनों ने टॉर्चर के मड़े आरोप। राजस्थान बोर्ड परीक्षाओं का 8 मार्च से होगा आगाज, 19 लाख विद्यार्थी होंगे शामिल। 83 वर्ष के दूल्हे ने 30 साल की युवती से रचाई शादी, दामाद भी बना बाराती। स्पार्कल प्राइम इंडिया न्यूज में आज इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।